देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में बालों को लंबा करने और गंजपन का इलाज लेकर आया हूँ। बहुत ही कमाल का ये नुस्खा है, एक ही चीज इसमें डलती है और बहुत ही कमाल का नुस्खा है। कलवंजी से बना हुआ ये नुस्खा है। कलवंजी का तेल आपको चाहिए। कलवंजी का तेल आप खुद भी बजरिया आतिशी शीशी निकाल सकते हैं। अगर आपको वो प्रोसेस मुश्किल लगता है तो आप ये तेल किसी बड़े पंसार स्टोर से भी खरीद सकते हैं, जो कि ओरिजिनल आपको देगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो दो चीजों का जिक्र मैं करूंगा आज इस वीडियो में, आपको समझाऊंगा कि बालों की जो एक ग्रोथ होती है खवातीन की, उनको कैसे लंबा किया जाता है बालों को, और गंजपन का इलाज कैसे मुमकिन है। मैं आपको बताऊंगा, आप जो अफराद गंजे हैं यानी उनके बाल बहुत गिर चुके हैं, वो इस वीडियो को लाजमी वॉच करें। मैं कहता हूं आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अमेजिंग वीडियो है ये। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के नुस्खे में हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कलवंजी का तेल, जो कि आपने पंसार से ले लेना है। ठीक है, आपने एक बॉटल कलवंजी के तेल की ले लीजिए, काला दाना, ब्लैक सीड जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक सीड भी कहते हैं यानी काला दाना। ठीक है, तो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि ये काला दाना क्या चीज है। काला दाना कलवंजी को ही कहते हैं, कलवंजी का दूसरा नाम काला दाना है, इसे हिकमत में काला दाना कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने सबसे पहले मर्दों के लिए मैं बता दूं और बाद में औरतों के लिए बताऊंगा, क्योंकि मर्दों के बाल बहुत ज्यादा झड़ जाते हैं एकदम जवानी में ही। ठीक है दोस्तों, जवानी में अगर बाल आपके बहुत ज्यादा गिर चुके हैं तो आपने करना सिर्फ ये है, रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले ये तेल लगाने से आधा घंटा पहले आपने अपने बालों को वॉश करना है ठंडे पानी से, सुखा कर अच्छी तरह। जब आप देख लें जड़े बालों की सूख गई हैं, बाल भी सूख गए हैं, तो फिर आपने कलवंजी का तेल नीम गर्म करके अपने बालों की जड़ों में, सिर्फ जड़ों में आपने लगाना है। जिस जगह बाल नहीं है उस जगह भी लगाइए, अगर आपकी टिंड हो चुकी है तो उसके ऊपर अच्छी तरह से लगाइए, यहाँ तक कि आपकी टिन रेड हो जाए, आपका गंजपन रेड हो जाए, इतनी टिका कर मालिश करें। इसी तरह आपके बाल जब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे तो फिर आपने उस तरह फिरवा लेना है, उल्टा उस तरह फिरवाएं। ठीक है, ताकि बालों की जड़ों में तेल झस जाए। जब आपके बाल थोड़े से आए फिर उस तरह फिरवाइए, फिर ये तेल लगाइए, थोड़े से दिन लगाइए तेल, फिर जब आपके बाल आए फिर उस तरह दो तीन बार ये प्रोसेस करें। इंशाल्लाह इतने घने बाल आ जाएंगे आपके कि आप खुद हैरान हो जाओगे। अब चलते हैं खवातीन की टिप्स की जानिब। खवातीन की टिप ये है कि उन्होंने अगर अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना है या अपने बालों की जो उनकी भी सर की जिल्द सेंटर से अगर वाजह हो चुकी है गंजपन, तो आपने करना क्या है, बालों की जड़ों में ये तेल इसी तरह नीम गर्म करके लगाना है और बालों की जो लेंथ है उसमें भी इसका तेल लगाना है अच्छी तरह से। ठीक हो गया, माजत कहूँ दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से आपने मालिश करके 25 से 30 मिनट अपने बालों की अच्छी तरह मालिश करें और इसको बांध कर या शॉपर से ढांक कर आप रात को सो जाएं और सुबह उठकर इसको वॉश कर लीजिएगा। तो ये खवातीन के हवाले से नुस्खा हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त ये दो टिप्स मैंने मर्दों और खवातीन के हवाले से बताई हैं। आपका काम है इसको अप्लाई करना कलवंजी में, चूंकि आपने सुना है हर मर्ज का इलाज है, मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज कलवंजी में मौजूद है। तो दोस्तों अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मुझे फॉलो करते हैं। ये टिप आजमूदा टिप है, बहुत जबरदस्त टिप है, जितनों को भी आज तक दी है किसी ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया, ना ही किसी ने शिकायत की है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देसी हेल्थ टीवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है।